Hi guys, welcome to my channel Defeat Max. Today we are going to learn about how to draw root 2, root 3 and root 5. Let's go. एक लाइन ड्रा करिए, आप स्केल के थ्रू भी नंबरिंग मार्क कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बहुत छोटा पड़ेगा, तो इसलिए आप रेडियस सेम ले लो, कोई भी रेडियस ले लो और ऐसे आप मार्किंग करिए, नंबरिंग के लिए पॉइंट्स मार्किंग करिए। वैसे ही आपके लेफ्ट हैंड साइड भी मार्क करिए। ये मान लीजिए 0 1 2 3, दैट वाइज इस तरफ आपका आएगा -1 -2। ओके, अब हमने करना है 90 डिग्री एंगल बनानी है पहले, सो इसलिए मैंने ये पॉइंट को पहले मैं वो मान रही हूँ, ठीक है, मैं 1 पर एंगल बना रही हूँ 90 डिग्री। सो पहले एक हाफ सर्किल बनाइए, ड्रा एन आर्क, कोई भी रेडियस चेंज नहीं करना है, रेडियस चेंज करने के बिना आपने आर्क बनानी है, फिर ये आर्क से रेडियस मान के यहाँ से एक कट, फिर उस ये कट को कटिंग करने की तरह यहाँ से दूसरी आर्क बनानी है, ये आर्क यहाँ पर आपको कट होनी है, जो पहले वाला आर्क बनाया है उसको कट करनी है, ठीक है। अब ये बन गया आपका 90 डिग्री। जब भी आप स्केल से ड्रा करेंगे पॉइंट्स को आप देख लीजिए, दोनों पॉइंट्स आपने सेम बनाया है या नहीं। अब आप रेडियस लेना है 1 और 2 का कितने डिस्टेंस है, इसको आप रेडियस ले लीजिए, तो यहाँ पर ये पॉइंट ये मान लीजिए, ये से आप एक कट मारिए 90 डिग्री में, जो 90 डिग्री लाइन बनाई है उसमें एक कट मारिए, उसके बाद वो ये पॉइंट हमारा बनेगी सी, या बी मान लो, कुछ भी मान लीजिए, और देन जाइन वो ऑन सी, वो और सी को जॉइन करिए, अब देखिए, अब आपने वो और सी का रेडियस लेनी है और वो को आधार मान के आप यहाँ से आर्क बनानी है। अब ये है बन गई आपका रूट, ये बन गई हमारी रूट। ओके, देखिए आपका इस सेम डिस्टेंस होना चाहिए हमारा, हमेशा ये वो सी का डिस्टेंस और ये वो ए का डिस्टेंस देखिए, ठीक है, ये दोनों आपका सेम डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। या अब हम कैसे ये रूट टू आया ये देखें, ये हो गया आपका रूट टू। रूट थ्री के लिए कहाँ आप सी मार्किंग करा वहाँ पर आप पॉइंटिंग करनी है, तो एक फिर आपने 90 डिग्री बनानी है, एक हाफ सर्किल बनाओ, जैसे सेम रूट टू के लिए बनाया वैसे ही सेम बनानी है,
फिर 1 और 2 का डिस्टेंस ले लीजिए, कहाँ पर सी का मार्किंग है, सॉरी सो पहले 90 डिग्री का ड्रा करिए लाइन बनाइए, ये हो गया हमारा 90 डिग्री राइट। आप 1 और 2 का डिस्टेंस ले लीजिए, तो कहाँ पर सी मार्किंग करा वहाँ से आप एक आर्क बनाइए, और ये बिल्कुल ये पॉइंट है आपका डी मानिए, देन जॉइन वो एंड डी, अब वो डी का डिस्टेंस टेक रेडियस वो डी, तो वो को आपने बेस मान के एक आर्क ड्रा करिए, आपको ये आर्क आएगा रूट टू के बाद, ये बनेगी आपका √3। अब ये √3 ये ओडी का लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम होना चाहिए, यही √3 ओडी का भी होना चाहिए। सो हम ओडी का लेंथ हम अब कैसे फाइंड आउट करें, यूजिंग अगेन पाइथागोरस थ्योरम, ओडी इक्वल टू बेस स्क्वायर्ड ओसी स्क्वायर प्लस हाइट, बेस प्लस हाइट, हाइट यहाँ पर सीडी है तो सीडी स्क्वायर, और वो सी की वैल्यू हमें पता है √2 ऑलरेडी हमने ड्रा करा था, सो √2 स्क्वायर प्लस सी डी की वैल्यू 1 स्क्वायर, सो कोई भी रूट है जब भी स्क्वायर करते हैं रूट कैंसिल होके आपको सेम नंबर आता है 2 प्लस 1 दैट इक्वल टू √3। ओके जब भी आप ये चीज नोटिस करो, जब भी √2 √3 ड्रा करते हैं 1 और 2 के बीच में आपका आना चाहिए, समटाइम्स बच्चे ये गलत करते हैं √3 का आर्क यहाँ पर आ जाता है, तो ये गलत है क्योंकि √2 के पहले √3 आ जाता है, तो √2 के बाद आपको ये आर्क आना चाहिए। नॉर्मली √2 का वैल्यू आपको क्या है 1.4142 और √3 का वैल्यू 1.732, तो ये दोनों इरेशनल नंबर आपको 1 और 2 के बीच में आता है, सो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें 1 और 2 के बीच में है या नहीं, समटाइम्स आप आर्क बनाते हैं 2 के बाद में भी बच्चे ड्रा करते हैं, सो वो गलत बन जाती है राइट। नेक्स्ट √5 करें, नेक्स्ट हाउ टू ड्रा √5, जैसे हमने √2 ड्रा करा था वही सेम मेथड में आपको √5 है, पहले लाइन ड्रा करिए फिर सेम डिस्टेंस लेके आप पॉइंट्स मार्क करो। √2 √5 में क्या डिफरेंट क्या है, आप 90 डिग्री 1 के ऊपर बनाए, √2 में आप 90 डिग्री कहाँ बनाए 1 के ऊपर बनाए ठीक है, अब ये √5 के लिए आप 2 के ऊपर बनानी है, बस दैट्स अ डिफरेंट, बाकी सारे आपको सेम है। ओके मैं 2 को बेस मान के आप सर्किल बना रही हूँ, पहले आप सर्किल ड्रा करो फिर एक छोटी छोटी आर्क,
सो स्ट्राइट लाइन बन जाएगी, है 90 डिग्री एंगल बन गई हमारी। ये पॉइंट हमारा वो मान लीजिए, ये आपको ये, देन आप इसका डिस्टेंस ले लो 2 और 3 का डिस्टेंस, सो टेक द रेडियस द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द 2 और 3, सो ड्रा एन आर्क ऑन ए लाइन 90 डिग्री। ओके, सो ये पॉइंट को आप मार्क करो सी, ये वो और सी को जॉइन करो। और ये हो गया आपका √5, वो सी का डिस्टेंस ले लो। वो को बेस मान के आप एक आर्क मान ड्रा करो। ये आ गया आपका √5। अब आप वेरीफाई करो, देखिए ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम है। अब हम वो सी का वैल्यू फाइंड आउट करें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वो ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। वो ए स्क्वायर हमने यहाँ पर 2 माना, सो 2 स्क्वायर और ए सी हमारा 1 है, वन स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर आपका 4 है, 1 स्क्वायर 1, सो 4 प्लस 1 √5, सो वो सी का वैल्यू हमारा √5, राइट।